हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। मेरे पास ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे से डिज़ाइन का लखनवी वर्क का पूरा कपड़ा है। ये मैंने अपने बच्चे का कुर्ता बनवाने के लिए फैब्रिक लिया था, लेकिन बाद में मैंने रेडीमेड कुर्ता ही ले लिया तो ये कपड़ा मेरे पास बच गया था। तो अगर आप बिगिनर्स हैं और आपके पास भी ऐसा कोई भी कपड़ा पड़ा है तो आप उसका इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सी कुर्ती बना सकते हैं। ये जो कपड़ा है वो मेरे पास 2 मीटर था और इस कपड़े को देखिए, सबसे पहले मैंने इस तरीके से फोल्ड करके रखा है। 12 इंच इसकी मैंने चौड़ाई रखी हुई है। ये 4 लेयर में मैंने रखा हुआ है कपड़े को। सबसे पहले इसकी लेंथ हम देख लेंगे। तो मुझे थोड़ी लंबी कुर्ती चाहिए थी, तो जितनी लंबी हो सके उतना ही मैंने मेज़रमेंट ले लिया था। तो 39 इंच ये मैंने लिया है। आप जितनी भी लंबाई रखना चाहते हैं उसमें 1 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है। तो सबसे पहले जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम निकाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब वहाँ पर हमें शोल्डर के लिए मार्क करना है। तो 6.5 इंच मैंने शोल्डर लिए हैं, मेरी साइज़ स्मॉल है। अब मैंने आर्म होल के लिए मार्क कर रही हूँ, तो 6 इंच पर मैंने आर्म होल के लिए मार्किंग कर ली है। अब इस तरीके से यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो मेरी चेस्ट है 32 इंच, तो 32 इंच का हमें चौथा हिस्सा लेना है। तो मैं 8 इंच पर मार्क करूँगी क्योंकि इसका चौथा हिस्सा होगा 8। तो आपके जो भी चेस्ट है उसका आपको चौथा हिस्सा लेना है। अब देखिए, वहाँ ऊपर की साइड से नीचे तक हम 15 इंच तक मार्क करेंगे कमर के लिए, और उसके बाद नीचे 5 इंच नीचे जाना है, हमें हिप राउंड के लिए मार्क करना है। अब जो भी मार्किंग करी है उन सबको इस तरीके से हम इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आपको बना लेनी है। तो इस तरह देखिए, मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना ली है। उसके बाद देखिए, 8 इंच पर हमने चेस्ट के लिए तो मार्किंग ऑलरेडी कर ली है। उसके बाद यहाँ पर हम जो कमर है उसके लिए मार्किंग करेंगे। तो जो भी आपकी कमर है उसका चौथा हिस्सा लेना है। 28 इंच है मेरी कमर, तो मैंने 7 इंच पर मार्क किया। अब हमें यहाँ पर हिप राउंड के लिए मार्क करना है। तो जो भी आपका हिप राउंड है उसका चौथा हिस्सा आपको लेना है। तो मैंने 8.5 इंच पर मार्क कर लिया। अब इस तरीके से यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन इन सभी पॉइंट को जॉइंट करते हुए बना लूँगी। उसके बाद इसमें हमने जो भी मेज़रमेंट था उसमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। ये सिलाई मार्जिंग और लूजिंग के लिए लेंगे। यहाँ पर आप चाहे तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं। अब इस तरीके से देखिए, हम यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसे सीधा मिला लेंगे सभी पॉइंट को। तो ये मेरा यहाँ पर हिप राउंड हो रहा है 10.5 इंच। तो यहाँ पर इसके नीचे की साइड जो इसका चौड़ाई है हमारे घेरे की, वो भी हम 10.5 इंच ही लेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्क कर ली। अब यहाँ पर भी ऊपर तक हम सीधी मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए, मैंने यहाँ पर स्ट्रेट मार्किंग कर ली है। अब हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पर 1 इंच पर मार्क करेंगे और फिर राउंड शेप दे देना है। उसके बाद हम फ्रंट आर्म होल के लिए अंदर की तरफ 1/2 इंच जितना मार्क करेंगे और इस तरीके से इसे ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, अब हम करेंगे गले के लिए मार्किंग। तो गले की चौड़ाई मैं ले रही हूँ 3 इंच, आप 2.5 भी ले सकते हैं। अब इसकी लंबाई जो है वो मैं ले रही हूँ 6 इंच। अब इस तरीके से इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे क्रॉस में, और जो बैक नेक है उसकी लंबाई मैं ले रही हूँ 3 इंच। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद राउंड शेप दे देना है। अब हम कटिंग करेंगे। तो गले की कटिंग अभी हम नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। बाकी पूरा जो भी हमने ड्रॉ किया है वो इस तरीके से हम कट करेंगे, और पहले हमें फ्रंट की कटिंग नहीं करनी है, बैक साइड की करनी है। तो देखिए, इस तरीके से हमने कट कर लिया। अब दोनों पीस को हम अलग कर लेंगे और इस तरीके से सेट करके रखेंगे। और सबसे पहले हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से मैंने गले की यहाँ पर कटिंग कर ली, और आर्म होल की भी हमें कटिंग कर लेनी है। उसके बाद यहाँ ऊपर हमें इस तरीके से 1/2 इंच नीचे की तरफ डाउन मार्क करके कट कर लेना है। ये हमारे शोल्डर स्लोप के लिए मैंने मार्क कट किया है। तो इसी तरीके से दोनों हिस्सों में कर लेना है। उसके बाद जो दूसरा पीस था वो हम लेंगे, और यहाँ पर मैं फिर से गले को ड्रॉ कर लूँगी। 3 इंच मैंने लंबाई और चौड़ाई ले ली है, और इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। और यहाँ पर मैं देखिए इस तरीके से गले को कट कर दूँगी। तो ये हमारा बैक का गला भी कट हो गया और फ्रंट का भी हो गया। अब देखिए, यहाँ पर मेरा थोड़ा सा ये जो वर्क है वो कम आ रहा था ऊपर की साइड। मुझे जो लेंथ चाहिए थी, अगर मैं ये नहीं लेती तो वो छोटी हो जाती। तो साइड से निकला हुआ कपड़ा था उसे मैंने निकाल कर यहाँ पर इस तरीके से अटैच कर लिया। अब सीधा करके यहाँ ऊपर की तरफ मैं सिलाई कर दूँगी। दोनों साइड पर इसी तरीके से मैंने कपड़े को अटैच करके सिलाई कर ली है। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे दोनों साइड से। तो देखिए, इस तरीके से ये एक पीस रेडी है। उसके बाद मैंने एक अस्तर का कपड़ा ले लिया है। आप कोई
कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। 9x5 इंच इसकी लंबाई है और चौड़ाई भी आप इसकी इतनी ही ले सकते हैं। अब इस कपड़े को देखिए, मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है, इसके एकदम सेंटर में मैंने रखा है। इस तरीके से आपको एकदम सेंटर में इसे सेट कर लेना है और इसकी राइट साइड पर इस कपड़े को हम रखेंगे। और इस तरीके से देखिए, यहाँ पर हमें सिलाई करनी है। आप चाहें तो यहाँ पर बुकरम का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप अगर बिगिनर्स हैं, पहली बार कर रहे हैं, सारे मटेरियल आपके घर पर नहीं अवेलेबल है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। बस मैंने कपड़े को यहाँ पर सिलाई करके अटैच कर लिया, बीच में जो भी कपड़ा था एक्स्ट्रा उसे कट करके निकाल दिया है। अब साइड से भी यहाँ पर देखिए, इस तरीके से मैंने समथिंग 1.5 इंच जितना कपड़ा रखा है और बाकी का कपड़ा मैं कट करके निकाल दूँगी। तो ये इस तरीके से मैंने कट कर लिया। इसके बाद देखिए, इसे हम रॉन्ग साइड पर टर्न करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें बैक साइड पर जाने देना है। और फिर देखिए, आपको यहाँ पर भी डबल फोल्ड करना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जो हमने अभी स्ट्रिप अटैच करी है, उसे इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करना है। और यहाँ पर आपको एक बड़ी सी सिलाई कर लेनी है, क्योंकि बाद में हम यहाँ पर तुरपाई कर देंगे। तो देखिए, मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। आपको यहाँ पर बड़ी सिलाई यानी कि टांके बड़े लगाने हैं, क्योंकि बाद में इजीली आप सिलाई को खोल सकें। और इसके कॉर्नर को आपको इस तरीके से सेट करना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ, क्योंकि सबको कॉर्नर पर ही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये आपका गला इस तरीके से रेडी हो जाएगा। इसके बाद बैक नेक को भी हम इसी तरीके से कपड़ा उसी के साइज़ का लेकर अटैच करके रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पिन लगाकर सेट करके अटैच कर लिया। उसके बाद एक्स्ट्रा था बीच से कट कर दिया। और इस तरीके से आपको छोटे छोटे कट लगाने हैं बीच में, ताकि ये आप जब पलटेंगे तब फिनिशिंग अच्छी आए। तो अब देखिए, इस तरीके से मैंने इसे सीधी साइड पर अटैच कर लिया था। अब यहाँ पर भी जैसे हमने फ्रंट नेक का किया था, वैसे ही एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और फिर बैक साइड पर हम कपड़े को लेकर जाएंगे और यहाँ पर डबल फोल्ड कर पूरे राउंड में हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारा बैक नेक भी रेडी है। अब इस तरीके से हम इसे सीधा रखेंगे। उसके ऊपर हमें फ्रंट वाला हिस्सा उल्टा रखना है और दोनों शोल्डर को हम इस तरीके से सिलाई करके जॉइंट कर लेंगे। तो ये हमारे शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। इसके बाद देखिए, मैं स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि अब हमें स्लीव्स अटैच करनी है। तो मेरे पास कपड़ा थोड़ा सा कम था, क्योंकि टोटल जो कपड़ा था मेरे पास 1.5 मीटर था, और मुझे ये थोड़ा जो डिज़ाइन वाला नीचे वाला हिस्सा था वही स्लीव्स के लिए यूज़ करना था। तो मैंने इस तरीके से कपड़े को रखा और साइड में थोड़ा थोड़ा मैंने 2 इंच की स्ट्रिपें दोनों साइड पर अटैच कर ली हैं। अब देखिए, ये जो कपड़ा है वो मेरा टोटल 4 लेयर्स में यानी कि डबल फैब्रिक है। अब इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड करके रखा है। इसकी लंबाई 15 इंच मैंने ली है और चौड़ाई मेरी हो रही है 9 इंच। अब सबसे पहले ऊपर की साइड से 3 इंच नीचे की तरफ हम डाउन मार्क कर लेंगे, और फिर नीचे आपको मूरी जितनी भी चाहिए उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके रखना है। और फिर इस तरीके से इन दोनों पॉइंट को जॉइंट करने के बाद स्लीव्स का हमें यहाँ पर पत्ते की तरह शेप दे देना है। तो ये देखिए, स्लीव्स की मार्किंग हो गई। अब इस तरीके से हम जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट करके निकाल देंगे, यानी कि स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने कट कर लिया है। अब देखिए, आपको फ्रंट साइड के लिए 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क करना है, नीचे की तरफ मार्क करना है। अब कपड़े को आपको सिर्फ 2 लेयर पकड़नी है, पूरा कट नहीं करना है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ फ्रंट हिस्सा, क्योंकि बाद में हमारी कोई गलती ना हो, हमें ज़्यादा सोचना ना पड़े। अब इसका हम सेंटर भी निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर कट लगा दिया है। अब स्लीव्स अटैच करनी है। तो देखिए, हम देख लेंगे कि फ्रंट साइड किस तरफ हमने रखा है। तो ये फ्रंट साइड को सेट करते हुए इस तरीके से जो हमने कट लगाया था उसे हमने जो शोल्डर की सिलाई थी वहाँ पर सेट करना है, एकदम सेंटर में लाने हैं कट को और सिलाई को। और दोनों साइड पर इस तरीके से हम सिलाई करके स्लीव्स को अटैच कर देंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्लीव्स को दोनों साइड पर अटैच कर लिया है। और ये जो हमने जॉइंट लगाए हैं ना, वो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो मार्जिंग में चला जाएगा। अब देखिए, स्लीव्स में मेरी इस तरीके की डिज़ाइन थी, तो मैंने फोल्ड नहीं किया है। अगर आपकी नहीं है तो आपको यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेना है। और उसके लिए 1 इंच आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक भी लेना है, जो भी आपको स्लीव्स की लेंथ चाहिए उससे एक्स्ट्रा। अब देखिए, एक साइड से लेकर यहाँ पर नीचे तक हम पूरे में सिलाई कर लेंगे और इसे जॉइंट करेंगे। तो आप चाहें तो पहले यहाँ पर आपकी जो भी फिटिंग है उसके लिए भी पूरा मार्किंग कर लीजिए और उसके ऊपर ही आप सिलाई कर सकते हैं। तो दोनों साइड पर पहले मैंने यहाँ पर जो हिप राउंड की मार्किंग थी वहाँ तक की सिलाई कर ली है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने सिलाई कर ली है। अब नीचे की तरफ हम फोल्ड करेंगे। तो एकदम नीचे की तरफ मेरे में डिज़ाइन है इस तरीके की, मैं फोल्ड नहीं करूँगी, दोनों साइड पर ही फोल्ड करूँगी। तो देखिए, इस तरीके से एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक हम सिलाई करेंगे।
तो ये भी आपको इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और यहाँ पर सीधी सिलाई करनी है। बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर साइड में सिलाई हो जाती है, लेकिन इसके जो साइड स्लिट होती है ना, वहीं पर सबकी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है, तो वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको ऊपर तक सिलाई लेकर जाएंगे, बाद में कपड़े को घुमा लेना है, सुई की नोक को अंदर की तरफ ही रखना है। और इस तरीके से देखिए एक साइड पर हमने सिलाई ऊपर तक कर ली, उसके बाद दूसरी साइड पर कपड़े को फोल्ड करके सेट करके पकड़ना है और इस तरीके से यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। मैंने रफू भी कर लिया क्योंकि जल्दी से यहाँ पर ये कपड़ा निकल ना जाए। तो देखिए एकदम अच्छी फिनिशिंग के साथ ये हमारा यहाँ पर साइड स्लिट बनकर रेडी हो चुका है। तो इसी तरीके से हमें दोनों साइड पर कर लेना है। सो फ्रेंड आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी ये मेरी कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है। मेरे पास इस तरीके की लेगिंग थी जो कि सबके पास वाइट कलर की होती है, और इस तरीके का दुपट्टा भी था, और ये कपड़ा भी ऐसे ही मेरे पास वेस्ट पड़ा रहता, उससे अच्छा मैंने इस तरीके से कुर्ती बना ली है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिटिंग के साथ ये बनकर रेडी हो चुकी है। अगर मैं मार्केट में लेने जाती तो कम से कम मुझे ये 1000 में तो पड़ ही जाती, लेकिन ये 250 रुपीज़ का मैंने कपड़ा लिया था, तो ये मेरी कुर्ती मुझे समथिंग 400 के अंदर में रेडी हो चुकी है। सो आई होप दोस्तों आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत।